दोस्तों YouTube की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों अगर आपका कोई वीडियो से अगर आपका चैनल पे स्ट्राइक आ गया है, वार्निंग स्ट्राइक, तो दोस्तों YouTube ने खुद फीचर्स लॉन्च कर दिया है कि आप अपना वार्निंग स्ट्राइक को बिल्कुल आसान तरीका से हटा सकते हो। दोस्तों पहले क्या होता था कि आप अपने वार्निंग स्ट्राइक को हटा नहीं सकते थे। तो दोस्तों वार्निंग स्ट्राइक कैसे हटाते हैं, चलिए मैं आप लोग को लाइव करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना वार्निंग स्ट्राइक हटा सकते हैं। मेरा चैनल पर दोस्तों वार्निंग स्ट्राइक आ चुका है, मैं अपना चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक हटाऊंगा आप लोगों के सामने और आप लोगों को करके दिखाऊंगा लाइव। तो दोस्तों वार्निंग स्ट्राइक हटाने के लिए सिंपल सा करना क्या है, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो सर्च करेंगे, तो दोस्तों आपको यूट्यूब स्टूडियो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है। सकते हैं आप लोग को यहाँ से दिख रहा होगा एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे एक मिल चुका है। तो ये दोस्तों वार्निंग स्ट्राइक है। वार्निंग स्ट्राइक क्या होता था दोस्तों कि आप इसको हटा नहीं सकते थे, जैसे आप लोग को चैनल पर हमेशा के लिए ये स्ट्राइक रहता था। उसके बाद अगर आपके मतलब स्ट्राइक आता है कोई दूसरा स्ट्राइक, तो आपको यहाँ से दोस्तों वार्निंग स्ट्राइक हट के आपको एक स्ट्राइक दे दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर 3 महीना के अंदर आपको 3 स्ट्राइक अगर मिल जाता है तो आपका चैनल दोस्तों यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। मतलब कितना भी आपका सब्सक्राइबर है आपका चैनल परमानेंटली डिलीट होता है। तुमने दोस्तों खुद अपडेट कर दिया कि आप अपना वार्निंग स्ट्राइक हटा सकते हैं। तो दोस्तों आपको चैनल पर अगर वार्निंग स्ट्राइक है तो वार्निंग स्ट्राइक कैसे हटाएंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वार्निंग वाला पे क्लिक करना है, देख सकते हैं वार्निंग वाला पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो वार्निंग स्ट्राइक आया था यहाँ से 24 जून को आया था 2023 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दोस्तों वो कंटेंट डिलीट कर दिया था, मैंने जो वीडियो बनाया था वो डिलीट कर दिया था डर से कि कहीं मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए। टेक एक्शन, तो आपको सिंपल सा दोस्तों आपको टेक एक्शन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं लुक और कंटेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से देख सक मैंने क्या गलती किया था अपने चैनल पे, यहाँ से हार्मफुल डेंजरस कंटेंट मतलब अपलोड कर दिया था। अर्निंग स्ट्राइक हटाने के लिए आपको देख सकते हैं वो मिल रहा है टेक एक्शन, तो सिंपल सा आपको टेक एक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं वार्निंग विल बी एक्सपायर इन 90 डेज टू कीप कम्युनिटी सेफ, योर कॉन्टेंट वॉन्ट बी बैक ऑन यूट्यूब। दोस्तों आपको इसको हटाने के लिए करना क्या है, एक ट्रेनिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से देख सकते 15 मिनट में आपको 7 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको दोस्तों 7 क्वेश्चन को आंसर देना है। सही सही आंसर देते हैं तो दोस्तों आपका 90 दिन में आपका जो वार्निंग स्ट्राइक है, किसी प्रकार की गलती नहीं करते 90 दिन के अंदर, तो आपका वार्निंग स्ट्राइक बिल्कुल आसान तरीका से हट जाएगा। आपको नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से देख सकते हैं कोना में आपको सबसे नीचे में दिख रहा होगा नेक्स्ट बटन, तो सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 7, आपको 7 को आंसर देना है। घबराना नहीं है कि आप इसमें गलती आंसर दे देते हो तो आपको स्ट्राइक नहीं हटेगा। आपको किसी प्रकार का डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें गलती भी आंसर देते हो तो आप नेक्स्ट टाइम मतलब सही आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, देख सकते हैं मोनाली पोस्ट से वीडियो कम्प्लीटिंग अबाउट एज रजिस्ट्रेशन यूट्यूब कंटेंट सी फाउंड वेबसाइट बिली एज रजिस्ट्रेड कंटेंट विदाउट लॉगिन सो पीपल हाउ एक्सेस। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ से आपको येस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चेक वाले ऑप्शन पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा आंसर सही हो चुका है, देख सकते हैं डैट्स राइट, आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंद्रे हैज़ ए यूट्यूब चैनल डैट डेडिकेटेड टू डू इट योर सेल्फ डाई एक्सपेरिमेंट, ही अपलोड ए वीडियो शोइंग हाउ टू मेक होम पेट। तो दोस्तों आपको यहाँ से सब क्वेश्चन को आंसर दे देना है, आंसर देकर आपको चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो आंसर है यहाँ से फिर से सही हो चुका है, तो आपको फिर से ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं तो फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से आंसर दे देना है। आपको चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दोस्तों आपको सिंपल सा फिर से नेक्स्ट करना है। आपसे दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं 4th क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर से ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मेरा ये जो आंसर है ये सही हो चुका है। आपको दोस्तों ऐसी करके आपको आंसर देना है। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ 5th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपको
चेक वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आपको आंसर गलत हो गया है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ से ट्रायगन देख रहा होगा, आपको ट्रायगन पे क्लिक करके आपको यहाँ से को नो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं आपको घबराना नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से सही आंसर दें, अगर आप गलती देते हैं तो उसे फिर से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से आंसर जब सही हो जाता है तो आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। छठा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें से दोस्तों आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं छठा क्वेश्चन जो है वो सही हो चुका है, दैट्स राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, लास्ट मतलब क्वेश्चन, तो इसका भी आपको आंसर दे देना है दोस्तों। तो यहाँ से चला जाइए, मतलब ऐसे सिलेक्ट करके देखता हूँ कौन सही होता है, ठीक है। मैं यहाँ से चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। चेक वाला ऑप्शन पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो आंसर है, मेरा लास्ट मतलब आंसर था, तो ये मेरा सही हो चुका है। तो दोस्तों मेरा यहाँ से सक्सेसफुली ट्रेनिंग हो चुका है, तो मैं इस पर फिर से आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सकते हैं मेरा जो स्ट्राइक है वो 18 जनवरी को हट जाएगा सक्सेसफुली। आप इस तरह से अपना स्ट्राइक हटा सकते हैं, वार्निंग स्ट्राइक। दोस्तों YouTube ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया है कि जो वार्निंग स्ट्राइक है वो हमेशा के लिए रहता था, वो आसानी से हटाने का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ये जो अपडेट है ये भी आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। कभी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सिंपल से आपको दोस्तों कमेंट कर देना, अगर आप एक भी कमेंट करते हो तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आपको वो वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से आपका ट्रेनिंग यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है, तो आपको यहाँ से क्लोज ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से क्लोज वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ट्रेनिंग यहाँ से आपको कंप्लीट दिखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और